सरकार इन दिनों शौच मुक्त प्रदेश का ढिंढोरा पीट रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासती रणबांकुरे गांव गांव गली गली सरकार की उपलब्धियों को जगजाहिर करते हुए लोगों को वादे करते व वाहवाही कर सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं। वहीं धरातल में आम जनमानस की जरूरतों को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। मामला चित्रकूट के मऊ विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खंडिया का है, जो एक बड़ी ग्राम पंचायत और चुनावी गढ़ के रूप में मानी जाती है। इस गांव की महिलाएं व पुरुष विभिन्न पार्टियों के ऊंचे ओहदों में पदस्थ हैं। करीब एक तिहाई वर्ग शिक्षित व रोजगार में लगा है, पर वहीं कुछ मजरे ऐसे हैं कि जहां आजादी के बाद से आज तक विकास की किरणें तक नहीं पहुंची। इन मजरों के सैकड़ों महिलाएं व पुरुष शौच के लिए बाहर जाते हैं। जब बुंदेलखंड न्यूज की टीम ने देर शाम इन मजरों में जाकर लोगों से हकीकत जानी तो लोगों ने दबी जुबान में बताया कि चुनाव आते ही सब आते हैं, बड़े बड़े वादे और सपने दिखाते हैं, फिर जीतने के बाद यहाँ कोई झलक तक नहीं दिखाता और 5 साल हम लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हालांकि ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। आप भी देखिए ग्रामीणों की दर्द की कहानी, ग्रामीणों की जुबानी। यहाँ पर विकास की किरणें कुछ भी नहीं दिखाई दे रही धरातल पे जी। यहाँ पे यादव पुरवा है जी, और ये आरक का पुरवा है, बगल से लगा हुआ है आगे जी, और ये हंसी तालाब में अनुसूचित जात की बस्ती है। इन तीनों बस्तियों में जो है तो कोई विकास की किरणें आजादी के बाद से आज तक कुछ नहीं हुआ। न यहाँ की पानी की समस्या और विद्युत व्यवस्था और सड़क के लिए लोग तरस रहे हैं आने जाने के लिए, और इसके बावजूद भी केंद्र और प्रदेश सरकार जो है तो शौचालय के लिए आवास के लिए ढिंढोरा पीट रही है। परंतु तो कहा जाता है कि मऊ ब्लॉक का सबसे बड़ा मजरा वो है, ग्राम पंचायत खंडेहा है जी, इसके बावजूद यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ? यहाँ का विकास जो है, यहाँ की जितने ये कर्मचारी वगैरह हैं तो इन लोगों के जरिए जो है तो यहाँ लोगों से पैसा भी मांग चल रही है, शौचालय में भी और क्या कहते हैं आवासों में भी 20-20 हज़ार रुपए की मांग चल रही है। और शौचालय तो यहाँ तक कि इस ग्राम पंचायत में हुआ कि 50% जो है तो पुराने शौचालय को जो है तो नया शौचालय दिखा करके उनकी फोटो खींच करके सरकार को धोखाधड़ी दिया गया है और यहाँ की रिपोर्ट भेजी जा रही है। जो अगर धरातल में देखा जाए तो जो गरीब मोहताज हैं, शौचालय उनको मिलना चाहिए तो उनको नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त बुंदेलखंड न्यूज की टीम पहुंच चुकी है विकासखंड मऊ के ग्राम पंचायत खंडेहा में। इस वक्त हम मौजूद हैं खंडेहा के मजरा यादवन पुरवा में। बताते चले आपको, आजादी के 7 दशकों बाद भी यहाँ आज भी मूलभूत समस्याओं के लिए लोग जूझ रहे हैं। यहाँ के गरीब मजदूर किसान आज भी शौच के लिए खुले में जाते हैं। जहाँ तक योगी सरकार, मोदी सरकार का कहना है कि खुले में शौच मुक्त भारत हमारा प्रथम सपना है, लेकिन वही सपना यहाँ पर साकार होता नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 7 दशकों में उन्हें सरकार की किस योजना का लाभ मिला। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम माता। क्या लाभ मिला आपको सरकारी योजना का? सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, किन किन योजना का लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। शौचालय मिला आपको? कुछ नहीं मिला। आवास मिला? कुछ नहीं मिला। राशन मिलता है आपको? राशन हाँ मिलता है। मिलता है, कितना मिलता है? एक महीने में 1 यूनिट के 5 किलो मिलता है। आपकी इस मजरे में ऐसे कितने घर हैं? 60 घरों की बस्ती है। तो 60 घरों में कोई योजना का लाभ मिला? कोई योजना का लाभ नहीं बाबूजी। तो शौच के लिए जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, कहाँ जाती हैं? बाहर जाती हैं, क्या करें? नहीं, बाहर जाने पे क्या कोई खतरा महसूस नहीं होता आपको? लगता नहीं अब यहाँ जो है जंगली एरिया है, बहुत से बदमाश आते जाते रहते हैं, क्या करें, मजबूर हैं। क्या आपने इन सब की शिकायत कहीं पर की है? बाबू जी करते हैं, जाते हैं, मऊ जाते हैं, मंगल दिवस जाते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं देती। जैसा कि हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद थे, इनका कहना है कि हर जगह शिकायत करते हैं लेकिन जो नौकर शाही है यहाँ की, इतनी दयनीय दशा है जो सुनने को तैयार तक नहीं है। बुंदेलखंड न्यूज के लिए चित्रकूट से आशीष उपाध्याय जी। न्यूज से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज चैनल, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।